हेलो स्टूडेंट्स, तो इसके पहले क्लास में हम लोगों ने दो वेक्टर का डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में पढ़ा था, और फिर बाद में हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ पॉलीगन क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, और हमने ये देखा था कि इफ़ यू वांट टू ऐड मोर देन टू वेक्टर्स ग्राफिकली देन वी कैन यूज लॉ ऑफ पॉलीगन। बट ड्रॉबैक ऑफ लॉ ऑफ पॉलीगन इज दैट if you want to find out the magnitude of resultant of more than two vectors by using law of polygon then we can't find out। to maine ye bataya tha ki usko uska magnitude i mean kya uska magnitude i mean resultant ka magnitude find out karne ke liye aap kisi bhi vector ko i mean sabhi vectors ko yadi law of polygon se add karoge to ek resultant milega, to uska magnitude find out karne ke liye hum kya karenge, components padhte hain। लेकिन बिफोर स्टडिंग अबाउट द कंपोनेंट, फर्स्ट वी विल सी वन प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम बेसिकली ये जब सर्कुलर मोशन भी आप पढ़ोगे तो वहाँ भी क्या है, आपको मैं ये क्वेश्चन बताऊंगा। इवन आप काइनेमेटिक्स भी आई मीन डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ोगे तो वहाँ भी आपको मैं ये क्वेश्चन बताऊंगा। लेकिन वेक्टर का भी एक पार्ट है, तो जब आप कोई बुक सॉल्व करोगे तो इस टाइप का प्रॉब्लम मिल जाएगा कि चेंज इन वेक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसी को हमने क्या किया है, अभी आई मीन आप लिख सकते हो, यहाँ हेडिंग में लिख सकते हो क्या, कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन वेक्टर्स आई मीन टू वेक्टर्स। देखो क्या इस क्वेश्चन में क्या है कि एक सर्कुलर पाथ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक सर्कुलर पाथ दिया है। उस सर्कुलर पाथ पे, उस सर्कुलर ट्रैक पे एक पार्टिकल है जो क्या है, मूव कर रहा है। अब मूव दो तरह से कर सकता है, एक तो क्या होगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा, सॉरी स्पीड चेंज होगा, और एक क्या होगा, स्पीड चेंज नहीं होगा। स्पीड वेलोसिटी देखो हर जगह क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि वेलोसिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या होता है, डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, जब भी क्या होगा कि किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, आई मीन लेंथ फिक्स रखो लेकिन डायरेक्शन क्या है, जैसे मान लो कि वेक्टर ये ऐसे है, अब हमने ऐसे कर दिया तो लेंथ तो सेम है लेकिन इसका डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज हो गया, तो हम बोले इनकी वेक्टर क्या हो गया, चेंज हो गया। उसी तरह जब पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, किसके अबाउट, सेंटर के अबाउट, तो कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी क्या है। अब देखो हमने लिखा है कि वेलोसिटी एट पॉइंट ए क्या है एंड वेलोसिटी एट पॉइंट बी क्या है, वी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वी ए क्या है, कि वी ए विल बी क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, वी बी। ये कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां देखोगे तो डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, यहां देखोगे तो डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। तो डायरेक्शन जो है वो क्या है, अलग अलग है, इवन दो मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये क्या है, कि दोनों जगह वेलोसिटी क्या है, इक्वल। हाँ, लेकिन ये जरूर क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि वी ए मैग्नीट्यूड ऑफ वी ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इक्वल टू क्या दिया हुआ है, वी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो पहले हम क्या लिखते हैं, याद रखना है कि चेंज इन एनी क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या होगा, फाइनल वैल्यू माइनस क्या होगा, इनिशियल वैल्यू। तो हमको यहां लिखना है, जनरली हम क्या लिखते हैं, डेल्टा वी क्या लिखेंगे, वी एफ आई मीन क्या लिखेंगे, माइनस वी आई। इसको हम क्या पढ़ेंगे, चेंज इन वी, क्या पढ़ेंगे हम इसको, चेंज इन क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी आई मीन भी, ये क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी, ये दिस इज नथिंग बट द इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो जब भी आपको चेंज निकालना होगा तो फाइनल वैल्यू क्या होगा, कैलकुलेट करोगे, माइनस क्या करोगे, इनिशियल। देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी एफ प्लस माइनस क्या लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो क्या हुआ, निगेटिव ऑफ इनिशियल वेलोसिटी है ना, क्या है, निगेटिव ऑफ क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। अब इसी को क्या करना है, इसका क्या करना है, आपको मैग्नीट्यूड क्या करना है, कैलकुलेट करना है, क्या करना है, इसको
इसका मैग्नीट्यूड। अब ग्राफिकली हम देखें, देखो क्या है, आपको ये मालूम है कि दो वेक्टर का डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए अपने को, दो वेक्टर के बीच एंगल मालूम होना चाहिए। तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे कि देखो ये क्या है, थीटा है, क्या है ये थीटा, ये 90, ये 90, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा थीटा, यही क्या होगा, ये भी क्या होगा थीटा होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा इक्वल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा। तो दो वेक्टर के बीच एंगल क्या हुआ, आई मीन हम लिख सकते हैं यहां क्या हुआ कि एंगल, एंगल बिटवीन क्या होगा वी वी ए एंड क्या हुआ एंड वी बी इज थीटा, ये अपने को क्या हुआ मालूम चल गया। अब हम आसानी से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, देखो यहां लिख सकते हैं डेल्टा वी बी इक्वल टू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है वी ए है, फाइनल वेलोसिटी क्या है वी बी है, तो हम लिखेंगे वी बी माइनस क्या लिखेंगे वी ए, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड यदि हम लिखें तो यही मैग्नीट्यूड होगा, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यूज कर देंगे तो आपको तो इसका फॉर्मूला मालूम ही होगा, क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस टू वी ए वी बी कॉस क्या हो जाएगा थीटा। देखो आसानी से क्या हुआ मालूम चल गया, क्या होगा मालूम आसानी से चल गया है ना। अब हम इसको यहां से लिख सकते हैं डेल्टा वी आई मीन चेंज इन क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वी ए आई मीन वी ए इज इक्वल टू क्या है वी बी इक्वल टू क्या है वी है, तो हम लिख सकते हैं कि वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस टू वी स्क्वायर कॉस थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान से क्या लिख सकते हैं टू वी स्क्वायर इंटू वन माइनस क्या होगा कॉस थीटा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टू वी साइन अब क्या होगा थीटा बाई क्या होगा टू, तो यही क्या हुआ डेल्टा वी। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हुआ, क्या मिला आपने को मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, क्या मिला मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन क्या होगा इन वेलोसिटी, ठीक है चेंज इन वेलोसिटी, ये क्या है स्पीड, स्पीड ऑफ पार्टिकल और दिस इज नथिंग बट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आपसे यहां कई चीजें देखो तो पूछा जाए कि क्या होगा इफ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू पाई बाई टू, पाई बाई टू का मतलब क्या हुआ कि देखो पार्टिकल इनिशियली ऐसे सोचो इनिशियली कहाँ है यहाँ है ए पॉइंट ए हो गया और ए पॉइंट क्या हो गया बी हो गया, ए भी बी हो गया और ये क्या हुआ बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ डेल्टा भी एक तो फार्मूला यूज करो, फार्मूला आपको नहीं भी आता है तो आप आसानी से दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जनरल यदि रिजल्ट पूछा जाए तो आपको आना चाहिए। तो यहाँ भी क्या होगा कि डेल्टा वी इक्वल टू क्या होगा देखो टू वी साइन ऑफ क्या होगा पाई बाई फोर, तो ये कितना हो जाएगा रूट टू इंटू क्या हो जाएगा वी हो जाएगा। अब देखो इसको दूसरे तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफिकली देखो कि एक वेक्टर क्या है ऐसे सोचोगे, देखो यदि पैरेललोग्राम से ऐड करें तो एक वेक्टर क्या है ये वेक्टर आपका क्या है वी बी है और एक वेक्टर क्या है ये वी ए दिया हुआ है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए हमने लेंथ सेम ड्रॉ किया, ठीक है। अब मुझे क्या ड्रॉ करना है वी बी माइनस क्या होगा वी ए, देखो तो यही क्या होगा यही जो वेक्टर होगा वो क्या होगा माइनस वी ए हो जाएगा, यही होगा ना। अब यदि आप पैरेललोग्राम से सोचोगे तो शायद ऐसे आप सोच सकते हो ये भी क्या होगा वी बी और ये क्या होगा वी ए माइनस वी, तो यही रिजल्टेंट होगा क्या यही क्या होगा वी बी माइनस क्या हो जाएगा माइनस वी,
आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके भी ए ओ ए बी और सी मान लो, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके भी आप इसका वैल्यू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस स्क्वायर। उसी तरह आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि ओ बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा वी बी माइनस वी ए का मॉड स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हो वी बी माइनस वी ए का मॉड इज इक्वल टू क्या होगा वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, आई मीन क्या हो जाएगा रूट टू इंटू क्या हो जाएगा वी हो जाएगा। तो डेल्टा भी ऐसे भी मालूम चल जाएगा, ठीक है। उसी तरह क्या होगा, उसी तरह आपसे क्या पूछा जाएगा कि डेल्टा क्या होगा, इफ क्या होगा, इफ थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई। तो पाई का मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से कि टर्न कितना हुआ, एफ इनिशियल पोजीशन है, यही क्या हुआ इसका इनिशियल इनिशियल पोजीशन, और ये क्या हो जाएगा फाइनल पोजीशन। तभी तो टर्न कितना होगा, ए एंगल कितना होगा पाई होगा। अब देखो इधर क्या है, वेलोसिटी ए वी हो गया और इधर वेलोसिटी क्या हो गया वी बी, अगेन वी ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी दिया हुआ है। अब देखो दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो, उनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या लिख सकते हो, देखो तो यदि मैं डेल्टा वी लिखूं तो क्या लिखूंगा वी बी माइनस क्या लिखेंगे वी ए। अब यदि ऊपर वाले इधर को हम क्या मान लें प्लस मान लें तो नीचे वाला वेक्टर जो होगा वो क्या होगा माइनस होगा, तो चलो हम इसको इसको प्लस मान लिए, इसको क्या होगा माइनस मान लेते, कितना हो जाएगा माइनस टू वी, क्या हो जाएगा माइनस टू इंटू हम क्या लिखेंगे इंटू वी ए लिख देंगे यार, ठीक है, क्या लिखेंगे माइनस टू वी ए। अब मैग्नीट्यूड लिखोगे तो क्या मिलेगा टू इंटू क्या मिल जाएगा वी ए इक्वल टू क्या होगा टू, ये ऐसे भी आ गया। यदि आप रिजल्ट यूज करते तो रिजल्ट यूज करोगे तो क्या मिलेगा, देखो तो डेल्टा वी इक्वल टू क्या होगा टू वी साइन ऑफ क्या हो जाएगा पाई बाई क्या होगा टू, आई मीन क्या हो जाएगा टू वी, ठीक है। अब कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि इफ द मास ऑफ द पार्टिकल इज क्या होगा एम, तो क्या होगा इफ क्या होगा, नोट में यहां लिख लेना है नोट में क्या कि इफ मास मास ऑफ द पार्टिकल इज क्या होगा एम देन मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन क्या होगा लीनियर मोमेंटम मोमेंटम लीनियर मोमेंटम को हम क्या चीज से चेंज इन लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या हुआ डेल्टा पी इज गिवन एज कितना होगा, देखो ध्यान से तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या लिखेंगे टू एम वी साइन ऑफ क्या होगा थीटा बाई टू। तो ये डेल्टा पी इज इक्वल टू टू एम वी साइन ऑफ थीटा बाई टू, अगेन ये आपको क्या मिला मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो ये मिला मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, दिस इज नथिंग बट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज स्पीड और दिस इज क्या होगा मास। अब यहां ये पूछा जाएगा तो दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन प्रीवियस प्रॉब्लम, हमें इसी में पूछा जाएगा कि क्या होगा चेंज इन, अगला पॉइंट क्या लिखोगे चेंज इन लिनियर डिस्प्लेसमेंट, आई मीन क्या होगा डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्या होगा पार्टिकल। अभी प्रीवियस प्रॉब्लम को ही हम देख रहे हैं, उसी में हम लिख रहे हैं, ये नोट का पहला पॉइंट है, दूसरा है। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो यहां मैं बता देता हूं तुमको, यही मान लो कि ये क्या है, आई मीन यहां पार्टिकल ए है और यहां ए सॉरी ये इनिशियल पोजिशन और ये क्या है फाइनल पोजिशन, ए इनिशियल और दिस इज नथिंग बट द क्या होगा फाइनल पोजिशन, ये क्या होगा इनिशियल पोजिशन, ठीक है। यहाँ जो डायरेक्शन होगा, देखो यहाँ से अब मुझे क्या करना है, यही ओरिजिन है, तो आपसे कोई पूछे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट यही होगा, यही क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, देखो ध्यान से, यही क्या होगा इसके रिस्पेक्ट में, हम ओ के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या होगा आपका इनिशियल पोजीशन हो जाएगा और ये क्या होगा फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो इसको हम लिख रहे हैं आर आई और इसको हम क्या लिख रहे हैं आर एफ, देखो इसका लेंथ और इसका लेंथ क्या होगा सेम होगा और एंगल क्या दिया हुआ है थीटा दिया हुआ है। तो आप यदि वेक्टर एडिशन यूज करोगे, क्या यूज करोगे फ्रॉम, क्या होगा फ्रॉम लॉ ऑफ, क्या होगा लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो क्या लिख सकते हैं, देखो तो इसमें ध्यान से देखना, लिख सकते हैं कि आर आई वेक्टर प्लस, देखो इन दोनों में रिजल्टेंट क्या आर एफ, तो आर आई वेक्टर इक्वल टू क्या होगा ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आर एफ वेक्टर, तो ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा आर एफ वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा आर आई वेक्टर, यही क्या होता है दिस इज नथिंग बट द क्या होगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और ये क्या होगा चेंज इन, क्या होगा चेंज इन लीनियर पोजीशन, चेंज इन लीनियर पोजीशन, ठीक है। अब तो आप आसानी से डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी, अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो हमेशा जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो हम क्या निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस क्या होता है इनिशियल पोजीशन, फाइनल लीनियर पोजीशन माइनस इनिशियल लीनियर पोजीशन इज कॉल्ड, आई मीन चेंज इन लीनियर पोजीशन इज कॉल्ड क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो यही क्या हुआ, अब आपको क्या करना है मैग्नीट्यूड लिखना है। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना कि ईवी लेंथ क्या होगा रेडियस के इक्वल, ईवी लेंथ रेडियस के क्या होगा इक्वल होगा, तो हम लिख सकते हैं आर एफ का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होगा आर आई का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या होगा आर होगा। तो यहां हम लिख सकते हैं ए बी, ए बी को हम डेल्टा आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे डेल्टा आर इक्वल टू क्या होगा आर एफ माइनस क्या लिखेंगे आर आई, आई मीन इसका मतलब चेंज इन क्या होगा चेंज इन पोजीशन, अगेन ये क्या होगा फाइनल फाइनल पोजीशन और एक दिस इज नथिंग बट द लीनियर पोजीशन, ठीक है। अब डेल्टा आर का जब मैग्नीट्यूड लिखोगे, आई मीन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लिखोगे, तो अगेन फार्मूला यूज करो, क्या होगा आर आई स्क्वायर प्लस आर एफ स्क्वायर माइनस टू आर आई आर एफ कॉस थीटा, अगेन वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ टू आर स्क्वायर इंटू वन माइनस क्या होगा कॉस थीटा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा टू आर साइन ऑफ क्या हो गया थीटा बाई। तो ये क्या हुआ डेल्टा आर आई मीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो तीन चीजें आपसे पूछा जाएगा, एक जगह मैं नोट कर देता हूँ कि जब भी क्या होगा व्हेन एवर पार्टिकल मूव ऑन द सर्कुलर पाथ विथ कॉन्स्टेंट स्पीड देन क्या होगा आपसे पूछा जाएगा कि ये चेंज क्या होगा डेल्टा आर इक्वल टू क्या होगा टू आर साइन ऑफ थीटा बाई टू, डेल्टा वी इक्वल टू क्या होगा टू वी साइन ऑफ थीटा बाई टू, डेल्टा पी इक्वल टू क्या होगा टू एम वी साइन ऑफ थीटा बाई क्या होगा टू, ये रिजल्ट आपको याद रखना चाहिए।
ठीक है, तीन क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। जनरली तुम जब बुक सॉल्व करोगे, इवन बीएम शर्मा का या कोई बुक दिया होगा, तो जरूर आपसे पूछा जाए कि चेंज इन वेलोसिटी निकालिए, चेंज इन पोजीशन निकालिए। तो चेंज कैसे निकालते हैं, दिस इज नथिंग बट द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। क्या होता है, दो वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे क्या मिलता है, अपने को चेंज मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, मैंने ये बताया था, क्या बताया था कि अब हम क्या पढ़ेंगे कि रिजोल्यूशन और कंपोनेंट और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, तीन तरह से हम इसको जानते हैं। क्या है, रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन और कंपोनेंट, क्या होगा, कंपोनेंट और प्रोजेक्शन, कभी हम इसको क्या पढ़ते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिजोल्यूशन और कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। इसको समझेंगे हम, है ना, कि देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या है कि कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, कि हम क्या करते हैं कंपोनेंट को, हम क्या करते हैं कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी वेक्टर के इफेक्ट को टू और थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। तो थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग जो उनका इफेक्ट होता है, उसी को क्या हम बोलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो हम बोल सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ गिवन वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ देयर वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। लेकिन अभी हम पहले क्या पढ़ेंगे, दो ही कंपोनेंट कंसीडर करेंगे। हमने क्या किया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या किया, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहां क्या है, ये कोई वेक्टर दिया हुआ है, देखो ध्यान से, दिस इज नथिंग बट द वेक्टर ए, क्या है, वेक्टर ए। अब हमने ये मान लिया कि क्या है ओ ए, तो हम लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये आप जानते हैं। अब मान लो कि ये जो वेक्टर ए है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, क्या, कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, मुझे क्या सोचना है कि देखो यहां से यदि मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो यही क्या होगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा, और यहां से हम अगेन क्या करें वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये क्या हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, यदि वर्टिकली यहां से ऐसे लाइट फॉल कराओ तो शेडो क्या बनेगा, यही क्या होगा, शेडो बनेगा। या हम बोल सकते हैं कि यही क्या होगा, प्रोजेक्शन बनेगा, किसका, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन क्या होगा एक्स एक्सिस पे, कितना बनेगा ओ एम, क्या बनेगा ओ एम। तो हम बोल सकते हैं इसको क्या होगा, यहां लिख सकते हैं, और ये कितना होगा, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन जो होगा वही क्या होगा, एक्स कंपोनेंट होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, यहां क्या होगा, लेंथ ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं कि लेंथ, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड, इज कॉल्ड एक्स कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होगा ए। और इसको हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, देखो एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट को हम ऐसे लिखेंगे, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू हम क्या लिखेंगे ए एक्स, एक्स क्या होगा, सबस्क्रिप्ट है जो कंपोनेंट बताएगा कि एक्स कंपोनेंट है और क्या है। अब आप आसानी से बता सकते हो कि ये क्या है, देखो ध्यान से, ये वाला जो लेंथ होगा वो क्या होगा, क्या होगा ए, क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा हो जाएगा। सिमिलरली क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन
ऑफ एनी वेक्टर ऑन क्या होगा एक्स एक्स इज कॉल्ड क्या होगा एक्स बम्पर। इसी को हम बोलते हैं कि इफेक्ट ऑफ क्या होगा इफेक्ट ऑफ वेक्टर ए क्या होगा इफेक्ट ऐसे ही बोल सकते हैं और हम ऐसे बोलते हैं इफेक्ट ऑफ वेक्टर ए अलोंग अलोंग एक्स एक्सिस इज कॉल्ड क्या होगा कॉल्ड एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ठीक है तो आपसे कोई पूछे कि एक्स कंपोनेंट आई मीन ए एक्स एक्स इक्वल टू क्या होगा तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू क्या होगा कॉस थीटा एंगल मेड बाय द वेक्टर ए विथ x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आपको क्या करना है याद रखना है इसको हम ऐसे भी लिखते हैं क्या होगा a cos थीटा। ठीक है तो ये क्या मिला आपको x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और थीटा क्या है एंगल एंगल मेड बाय वेक्टर ए विथ प्लस आई मीन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज ये आपको तो x कंपोनेंट मालूम चल गया क्या है x कंपोनेंट मालूम चल गया। अब उसी तरह हम क्या लिख सकते हैं y कंपोनेंट क्या होगा अब देखो इधर से आप क्या करो इधर से लाइट फॉल कराओ तो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा ओ एन होगा क्या तो लेंथ ऑफ क्या होगा लेंथ ऑफ आई मीन हम लिख सकते हैं y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू क्या लिखेंगे लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन y एक्सिस क्या होगा y एक्सिस तो ये कितना हो जाएगा ओ एन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा ए क्या हुआ साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा ए वाई। तो इसे दिस इज नथिंग बट द क्या होगा वाई कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अगेन क्या होगा मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा वेक्टर ए। ठीक है तो एक्स कंपोनेंट क्या होगा वाई कंपोनेंट मालूम चल गया क्या हो गया एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट क्या हो गया मालूम चल गया। अब हम क्या कर सकते हैं यदि मान लें कि क्या होगा यूनिट वेक्टर अलोंग क्या होगा ये याद रखना है आपको कि आई कैप का मतलब क्या आई कैप और आई ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है यूनिट वेक्टर क्या होगा वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आई मीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस जे कैप और जे वेक्टर इक्वल टू क्या होगा यूनिट वेक्टर अलोंग क्या होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस के कैप के वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होगा देखो कि आई कैप का मैग्नीट्यूड इक्वल टू जे कैप का मैग्नीट्यूड इक्वल टू के कैप का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या हो जाएगा वन हो जाएगा यही होगा ना यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप एंड के कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा वन होगा। अब हम लिख सकते हैं यहाँ कि ध्यान देना आप तो इस पे हम न्यूमेरिकल देखेंगे अभी पहले आप कंपोनेंट समझ जाओ। तो वेक्टर लिखने वक्त ये ध्यान देना है कंपोनेंट लिखने वक्त कि जिसके साथ जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया उसके
along component क्या होगा? हमेशा cos होगा, और उसके अपोजिट वाले के साथ क्या होगा? साइन होगा। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो मालूम चलेगा आपको। अब क्या करना है, आई कैप जे कैप के कैप, तो हम लिख सकते हैं, देखो क्या होगा, वेक्टर ए, वेक्टर ए इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये दिया हुआ है। अब ऐसे आप सोचो कि कोई वेक्टर दिया हुआ है, यही क्या हुआ, एक्स एक्सिस हुआ, इसके अलोंग इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है एक्स, इसके अलोंग क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है, वाई एक्सिस के अलोंग क्या दिया हुआ है, यही एक्स एक्सिस हो गया, और ये क्या हुआ, वाई एक्सिस हो गया। तो इसके अलोंग मैग्नीट्यूड एक्स दिया हुआ है, इसके अलोंग क्या है, ई वाई दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या लिखना है, वेक्टर, तो वेक्टर यही होगा, देखो ध्यान से, यही वेक्टर होगा ना, यही क्या होगा, वेक्टर ए होगा। तो ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स इंटू क्या लिख सकते हैं, आई कैप लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, ए एक्स इंटू क्या लिख सकते हैं, सॉरी ए वाई इंटू क्या लिख सकते हैं, जे कैप। तो हम यहाँ मैंने ये लिख दिया कि वेक्टर, देखो यही एंगल क्या है, थीटा है, तो ए वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ए एक्स आई कैप प्लस क्या होगा, ए वाई जे कैप। तो क्या हुआ, कॉम्पोनेंट वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए, दिस इज नथिंग बट द क्या हुआ, एक्स कॉम्पोनेंट, कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए, दिस इज क्या होगा, वाई कॉम्पोनेंट, कॉम्पोनेंट ऑफ क्या होगा, वेक्टर ए। तो ये यूनिट वेक्टर के टर्म में हम कोई भी, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, यूनिट वेक्टर के टर्म में या कंपोनेंट के टर्म में हम किसी भी वेक्टर को कैसे लिखते हैं, तो याद रखना है वेक्टर ए इक्वल टू क्या होगा, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इनटू यूनिट वेक्टर आई, आई कैप प्लस क्या होगा, वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इनटू क्या होगा, यूनिट वेक्टर क्या होगा, जे कैप, उसके बाद हम के कैप भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम दो ही। यहां से आपको क्या होगा, मैग्नीट्यूड कोई फाइंड आउट कर, देखो तो लेंथ क्या होगा, ओ ए, यदि हम बी मान लें तो ओ ए इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा, तो ये मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस क्या होगा, वाई कंपोनेंट स्क्वायर का क्या होगा, स्क्वायर रूट, ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए पूछा जाए, क्या होगा कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, कभी कभी क्या होगा, कंपोनेंट दिया रहेगा, है ना, क्या दिया रहेगा, हमें अभी पढ़ेंगे, जिसमें क्या होगा, कभी कभी आपको सिंपल वेक्टर दिया रहेगा, ये पूछा जाएगा क्या कि कंपोनेंट फाइंड आउट करो, और इसको यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखो, कंपोनेंट्स के टर्म में लिखो। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि यदि वेक्टर कंपोनेंट्स के टर्म में दिया हुआ है तो डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये देखो, ये वेक्टर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, यहाँ ए एक्स मैंने लिखा था, एक्स इक्वल टू क्या होगा, ए कॉस थीटा, ए वाई इक्वल टू क्या होगा, ए साइन थीटा, ठीक है, ये क्या हुआ, उसका मैग्नीट्यूड मिल गया। अब डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, देखो डायरेक्शन क्या होगा, यही होगा ना, विथ क्या होगा, विथ एक्स एक्सिस, विथ क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू, रिस्पेक्ट टू एक्स कंपोनेंट, हमेशा याद रखना है एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, तो एक्स कंपोनेंट के साथ ये जो वेक्टर है कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे, तो लिख सकते हैं कि टैन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए वाई अपॉन क्या होगा, ए एक्स, दिस इज नथिंग बट द एक्स वाई कंपोनेंट, क्या होगा, वाई कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, दिस इज नथिंग बट द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, और दिस इज डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, एक्स एक्सिस। तो इसमें तीन तरह से क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आप एक एग्जांपल देख लो, देखो दिया हुआ है, जैसे एक एग्जांपल देखो, पहले क्या है, ए एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस, यही एक वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया है, ए वेक्टर इक्वल टू क्या है, टू आई प्लस क्या होगा, थ्री जे,
दिया हुआ है, तो आपसे पूछा गया यही क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो क्या है फाइंड, क्या होगा फाइंड, ए में क्या है एक्स कंपोनेंट ए एक्स ए वाई, एंड क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी में क्या निकालना है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, आई मीन क्या होगा थीटा, यही फाइंड आउट करना है ना। अब देखो कुछ नहीं करना है आपको, कंपेयर करना है। तो देखो जो आई का कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन ए वेक्टर इक्वल टू क्या दिया हुआ है टू आई कैप प्लस क्या दिया हुआ है थ्री जी, कई तरह से सोच सकते हो। तो यहां आप देखो तो कंपेयर करोगे तो यही क्या होगा एक्स कंपोनेंट आई मीन ए एक्स हो जाएगा और ये क्या हो गया ये वाई हो जाएगा, यही होगा ना। तो ए एक्स इक्वल टू क्या होगा टू, ए वाई इक्वल टू क्या होगा थ्री, ठीक है ये मालूम चल गया। अब मैग्नीट्यूड लिखें, ए इज इक्वल टू क्या था स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या है ए वाई स्क्वायर। तो आप यदि मैग्नीट्यूड लिखोगे तो टू स्क्वायर कितना होगा फोर प्लस नाइन आई मीन कितना हो जाएगा रूट थर्टीन यूनिट, वेक्टर ए का क्या हुआ मैग्नीट्यूड हो गया टेन। देखो टेन थीटा दो तरह से लिख सकते हो, एक तो देखो ए एक्स इक्वल टू क्या होता है ए कॉस थीटा और ए वाई इक्वल टू क्या होता है ए साइन थीटा इस केस में, तो टेन थीटा इक्वल टू यहाँ भी लिख सकते हो ए वाई अपॉन क्या होगा एक्स, तो थ्री अपॉन क्या होगा टू, तो लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ क्या होगा थ्री बाई, ठीक है। एक तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यदि वेक्टर जो है वो क्या है कंपोनेंट्स के टर्म में दिया हुआ है तो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है कि फाइंड इट्स देयर कंपोनेंट्स, उसके बाद क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड द एंगल मेड बाय द वेक्टर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, आई मीन डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। दूसरा इसमें जो एग्जांपल है, देखो ध्यान से कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको समझना चाहिए क्योंकि जब हम एनएलएम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, आई मीन ऐसे सोच सकते हो कि दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फिजिक्स। आपको यदि कंपोनेंट्स आता है आई मीन वेक्टर अच्छे से समझ में आता है तो आपको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। दो ही चीज़ें हैं, मैथ्स आपको बेसिक्स मैथ जो मैंने पढ़ाया है उसको आपको माइंड में रखना है और हम वेक्टर जो पढ़ रहे हैं उसको माइंड में रखना है, उसको रिवीजन करते रहना है क्योंकि इसका यूज जो है बेसिक्स मैथ्स का भी आप देख रहे हो हर जगह बेसिक्स मैथ का यूज है, त्रिगो का खासकर बहुत ज़्यादा यूज है। तो त्रिगो आप अच्छे से रिवीजन कर जाओ, उसके बाद वेक्टर का बहुत ज़्यादा यूज है क्योंकि बिना वेक्टर का हम फिजिक्स को नहीं समझ सकते हैं, वेक्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वेक्टर को अच्छे से समझो, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ, देखो फिर हम आते हैं कि यहाँ क्या है कि कोई वेक्टर दिया हुआ है ये वाई एक्सिस है और ये क्या एक्स एक्सिस है और ये वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर ई वेक्टर दिया हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है फोर यूनिट दिया और ये वाला जो एंगल है वो आप समझ लो 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। क्या ये वेक्टर हुए हैं वही वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है फोर यूनिट दिया हुआ है। तो आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड क्या है फाइंड एक्स, फाइंड कंपोनेंट्स क्या है फाइंड कंपोनेंट्स आई मीन ऐसे लिख लो फर्स्ट में फाइंड कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए, बी क्या है राइट वेक्टर ए इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। यही आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले आपको देखो रटना कुछ नहीं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यही क्या हो जाएगा ए एंगल यदि है तो ये वाला क्या होगा
ए एक्स, एक्स इक्वल टू ए वाला लेंथ, तो ए वाला लेंथ कितना हो जाएगा, ए कॉस ऑफ कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ए वाला यहाँ से लाइट फॉल कराओ तो यही क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन बनेगा, तो ए वाला जो लेंथ होगा वो क्या होगा, ए वाई आई मीन क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा, ठीक है, दिस इज वाई कंपोनेंट, ठीक है, दिस इज क्या होगा एक्स कंपोनेंट। अब आपको एक्स कंपोनेंट कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं एक्स कंपोनेंट, एक्स इक्वल टू क्या होगा, ए कॉस 30, तो कितना होगा रूट थ्री ए बाई क्या हुआ टू, आई मीन कितना मिला टू रूट थ्री यूनिट। उसी तरह ए वाई इक्वल टू क्या होगा, ए वाई इज इक्वल टू क्या होगा, ए साइन 30 डिग्री, तो क्या लिखेंगे ए बाई टू, आई मीन क्या लिखेंगे टू यूनिट, ये मालूम चल गया। अब हम क्या लिखेंगे, वेक्टर ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई क्या होगा जे कैप, यही होगा ना, ए एक्स कंपोनेंट और क्या होगा कंपोनेंट्स ऑफ कंपोनेंट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट, ये कितना हो जाएगा ए वेक्टर इक्वल टू क्या होगा टू रूट थ्री आई कैप प्लस क्या हुआ टू क्या हुआ जे कैप, मालूम चल गया कंपोनेंट, तो यही क्या हुआ कंपोनेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड आप लिखना चाहो कंपोनेंट, केवल आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा एग्जांपल देखो, तो यहाँ क्या है वेक्टर जब क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो दोनों कंपोनेंट क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, बाद में हम लिखेंगे एग्जांपल लिखने के बाद, देखो ध्यान से क्या है, दूसरा एक वेक्टर देखो कि ऐसे है कि वाई एक्स वाई डैश और क्या है एक्स डैश। अब देखो किसी के साथ ऐसे दिया, वही क्वेश्चन आप कंसीडर कर लो, क्या है यही एंगल क्या दिया हुआ है, मान लो ये एंगल कितना दिया हुआ है थीटा दिया हुआ है, ठीक है, यही क्या है वेक्टर क्या है ए है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 4 यूनिट दिया हुआ है, आई मीन यहाँ क्या है वेक्टर क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आपको अगेन क्या करना है इसको थीटा मान लो, थीटा क्या है थीटा इक्वल टू 30, ठीक है, तो यहाँ भी x कंपोनेंट देखो ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ए एक्स इक्वल टू ए कॉस, ठीक है, उसके बाद यहाँ आप जब लिखोगे तो क्या होगा ए एक्स इक्वल टू क्या होगा ए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ये क्या होगा ए वाई, आई मीन कितना हो जाएगा ए साइन कितना हो जाएगा थीटा, ये एक्स कंपोनेंट हुआ और ये क्या होगा आपका वाई कंपोनेंट, वाई तो यहां जो एक्स कंपोनेंट होगा वो क्या होगा निगेटिव आएगा, क्योंकि हमने क्या है यहां एक्स कंपोनेंट जब भी लिखेंगे देखो क्या होगा इसका इफेक्ट, इस वेक्टर का इफेक्ट किस डायरेक्शन में होगा, किस डायरेक्शन में होगा, अरे इस वेक्टर का इफेक्ट एक तो क्या होगा एक वाई कंपोनेंट क्या होगा ऊपर, एक्स कंपोनेंट क्या होगा नीचे लेफ्ट होगा, ठीक है, आई मीन निगेटिव एक्शन, तो यहां लिखेंगे क्या कि वेन क्या होगा वेन वेक्टर लाइज इन क्या होगा सेकेंड क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट देन क्या होगा एक्स कंपोनेंट कंपोनेंट विल बी निगेटिव और क्या होगा वाई कंपोनेंट विल बी क्या होगा विल बी पॉजिटिव। अब आप बोलोगे सर आप ऐसे क्यों, देखो हमने बताया था कि जब हम कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल लेते हैं, क्या लिखते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये वाला एंगल जो होगा ये कितना हो जाएगा 180 माइनस क्या हो जाएगा थीटा, और एक्स एक्सिस के साथ एंगल मालूम चल गया, तो यहां ए एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे ए क्या लिखेंगे ए कॉस ऑफ 180 माइनस क्या होगा थीटा, यही होता है ना जिस एक्सिस के साथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ
यदि एंगल मालूम चल जाए वेक्टर का तो हम क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा, आई मीन जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया हुआ है उसके साथ उसके अलोंग कॉस और उसके परपेंडिकुलर के साथ हम क्या लेते हैं साइन लिखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा आई मीन क्या हो जाएगा माइनस ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो देखो एक्स कॉम्पोनेंट क्या हो गया, निगेटिव आ गया, यहाँ क्या होगा ए वाई इक्वल टू क्या होगा ए साइन, अब क्या होगा 180 माइनस थीटा आई मीन क्या होगा ए साइन थीटा। तो ये क्या हुआ लेस देन जीरो और ये क्या हुआ ग्रेटर देन जीरो, यही मैं बता रहा था कि एक्स कंपोनेंट क्या है। अब देखो जब ये एंगल दिया हुआ है तो केवल आपको क्या करना है, यहाँ साइन क्या करना है इंटरचेंज कर देना है, साइन क्या करना है यूज कर लेना है, तभी एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होगा ए एक्स आई कैप प्लस क्या होगा ए वाई जे कैप, एक्स कितना होगा माइनस ए कॉस थीटा आई कैप प्लस क्या होगा ए साइन थीटा क्या होगा जी कैप। तो ये कितना हो जाएगा माइनस आई मीन टू रूट थ्री आई कैप प्लस क्या होगा टू जी कैप। तो जब क्या होगा वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो क्या होगा एक्स कंपोनेंट नेगेटिव होगा वाई कंपोनेंट क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्या होगा वाई कंपोनेंट क्या होगा पॉजिटिव होगा, ये आपको माइंड में रखना है। अगला जो है कि यदि वेक्टर क्या हो, मैं सब क्वाड्रेंट बता देता हूं, देखो कि क्या होगा अगला, देखो व्हेन क्या होगा एग्जांपल थर्ड, देखो यहां जो वेक्टर है वो क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में, क्या है थर्ड क्वाड्रेंट, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस एक्स डैश और ये क्या होगा वाई डैश। अब चलो एंगल हम क्या मान लेते हैं, एंगल थीटा मान लेते हैं। हाँ क्या होगा अगेन जब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे देखो तो इसका इफेक्ट क्या होगा इधर होगा और इसका इफेक्ट क्या होगा इधर। तो देखो तो दोनों निगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है क्या, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि यहाँ क्या होगा वेन, क्या होगा वेन वेन वेक्टर लाइज इन क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट देन बोथ देन then there x component component and y component will be क्या होगा will be positive sorry will be negative, both x component and y component will be क्या होगा negative। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे ax ए एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे माइनस, देखो ये यदि वेक्टर ए है तो क्या लिखेंगे माइनस ए कॉस थीटा, ए वाई इक्वल टू क्या होगा माइनस ए साइन थीटा। अदरवाइज आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखोगे तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस क्या हो जाएगा सॉरी प्लस थीटा हो जाएगा। तो उसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा वही आंसर आएगा। तो आपको यहाँ याद रखना है कि वेक्टर जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो दोनों कंपोनेंट क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, यदि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव वाई कंपोनेंट नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो दोनों कंपोनेंट में क्या होगा दोनों कंपोनेंट क्या होगा नेगेटिव होगा। तो अब यहाँ हम लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होगा ए एक्स एक्स आई कैप प्लस क्या होगा ए वाई जी कैप, तो क्या लिखेंगे माइनस ए कॉस थीटा आई कैप माइनस ए वाई सॉरी माइनस ए साइन थीटा क्या होगा जी कैप। तो ये हमने क्या है वेक्टर को कंपोनेंट में लिख दिया तो दोनों कंपोनेंट क्या होगा। अब थर्ड जो एग्जांपल है वो क्या है कि वेक्टर किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, आई मीन वेक्टर इधर लाई कर रहा है और यही अब वाला एंगल दिया हुआ है, ये एंगल क्या है थीटा है यही वेक्टर ये। तो यहाँ क्या होगा देखो एक्स कंपोनेंट का इफेक्ट क्या होगा इधर यही होगा, तो ये तुम्हारा क्या होगा ax, तो इसका जो x एक्सिस के अलोंग इफेक्ट है वो किधर होगा इधर होगा और y एक्सिस के अलोंग क्या होगा नीचे होगा, तो x कंपोनेंट पॉजिटिव y कंपोनेंट क्या होगा नेगेटिव, यही क्या होगा तुम्हारा ay होगा। तो क्या होगा when when vector lies in
फोर्थ क्वाड्रेंट देन इट्स एक्स कंपोनेंट कंपोनेंट विल बी क्या होगा, विल बी पॉजिटिव एंड क्या होगा, एंड वाई कंपोनेंट विल बी क्या होगा, विल बी ठीक है। तो यहां आप यदि लिखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो दिस विल बी इक्वल टू ए कॉस थीटा और दिस विल बी इक्वल टू क्या होगा, ये कितना हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा। तो अगेन जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे क्या करोगे, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वही है, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होगा एक्स आई कैप प्लस क्या होगा ए वाई जी कैप और ये कितना हो जाएगा माइनस ए सॉरी प्लस ए कॉस थीटा आई कैप प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा क्या हो जाएगा जी कैप वेक्टर है। तो ये अभी आपको मालूम चल गया कि डिपेंडिंग ऑन द क्वाड्रेंट कि किस किस क्वाड्रेंट में क्या है वेक्टर लाई कर रहा है उसके बेसिस पे एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट क्या होगा पॉजिटिव और क्या होगा निगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है दोनों हो सकता है। इसके बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, तो आपको क्या याद रखना है कि जिसके साथ क्या है एंगल दिया हुआ है ना उसके साथ क्या करना है आपको पॉजिटिव लेना है, उसके अलॉन्ग कंपोनेंट में लिखते वक्त पॉजिटिव सॉरी कॉस थीटा लेना है और उसके परपेंडिकुलर क्या लिखना है साइन थीटा लिखना है। जैसे आप एक एग्जांपल लिख लीजिए और इसको ट्राई करना, खुद से कोशिश करना है इसको लिखने के लिए, है ना। एक वेक्टर क्या है, ए वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर क्या है बी है, तीसरा वेक्टर इधर हमने सी लिख दिया, ये एंगल मान लो थीटा है, तो यहाँ क्या लिखना है फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बी एंड क्या होगा सी, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए बी एंड क्या होगा सी। यहाँ नोट में लिखना, ये सोचना देखो ध्यान से, मैं लिख देता हूँ कि याद रखना है कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, और आप इसको प्रूव करके सोच करके मुझे एक्सप्लेन करना कि किसी भी वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है वो स्केलर क्यों होता है, ये पूछा भी जाता है। तो यहाँ क्या लिखोगे कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इज क्या होता है इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी, किसी भी वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा वो ऑलवेज क्या होगा स्केलर होगा। ए वी वी आई है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा क्यों होता है आप सोच करके बताना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसी से रिलेटेड कंपोनेंट से रिलेटेड सम देखेंगे, है ना, कि कंपोनेंट कैसे रिजल्व करेंगे, यदि मोर देन वन वेक्टर होगा तो हम उसको उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको यूज करके हम क्या करेंगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप एक बार, आप सभी के पास बुक होगा, आप एक बार खुद से भी कंपोनेंट्स पढ़ना, यदि आपके पास न्यूमेरिकल्स हो तो आप उसको सॉल्व करना, डाउट हो तो आप मुझे सेंड कर सकते। देखो हमेशा याद रखो, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ यदि आप मुझे फॉलो करोगे तो फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं होगा। फॉलो करने का मतलब क्या हुआ कि यदि आज मैंने कंपोनेंट पढ़ाया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर पे आज क्या है इस लेक्चर को देखने के बाद आप कंपोनेंट्स ही पढ़ो, दूसरा कुछ मत पढ़ो, अभी उसके पहले का मत पढ़ो। तो इसको बोलते हैं कि यू आर फॉलोइंग मी। यदि आप मुझे फॉलो नहीं करोगे, आज मैंने कंपोनेंट पढ़ाया और टू डेज के बाद यदि कंपोनेंट आप पढ़ोगे तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपको जीरो समझ में आएगा, फिर समझ में नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं है कि समझ में आए। तो जो चीज़ पढ़ाया जाए उसी समय उसको पढ़ो और पढ़ करके नोट्स लिखो और कोशिश करो कुछ सम सॉल्व करने के लिए। तो इसको बोलते हैं कि आप टीचर के साथ साथ चल रहे, ये नहीं हुआ कि मैं यदि वेक्टर का सीट दे दिया और आप वेक्टर का सीट दे दिया, आप 10 डेज में सीट नहीं सॉल्व करके सबमिट करो, न डाउट पूछो, तब तक क्या होगा, और वही आप रुके रहो तब तक क्या होगा, वेक्टर फिनिश हो जाएगा,
तो वेक्टर समझ में नहीं गया, और वेक्टर समझ में नहीं आया तो आगे एनएलएम जब पढ़ोगे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, तो वहाँ बहुत ही प्रॉब्लम होने वाला है। रोटेशन पढ़ोगे तो बहुत प्रॉब्लम है, आई मीन हर जगह फिजिक्स में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। इसलिए जरूरी है कि वेक्टर आप समझो, जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है वो आप पर्सनली भी मुझसे पूछ सकते हो, कि नहीं आप इवन कॉल करके पूछ सकते हो कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आया, इसको आप एक्सप्लेन करो फिर से, तो मैं आपको फिर से हेल्प कर सकता हूँ। यदि आप हेल्प करने के लिए चाहोगे तभी मैं हेल्प कर सकता हूँ, अदरवाइज क्या है, हेल्प नहीं कर सकता। कहा भी जाता है कि भगवान दुनिया में उसी का मदद करता है जो खुद से अपना मदद करना चाहता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि भगवान क्या है बोले कि नहीं तुम्हारा मदद मैं ऐसे ही करता हूँ, तुम कुछ मत करो, इवन तुम खाना मत खाओ, तुम्हारे मुंह में मैं क्या है तुमको खाना खिला रहा हूँ, आई मीन तुम खाना मत खाओ, तुमको क्या है खाना बना करके रखा हुआ है और अपने से तुम्हारे तुम खा लोगे बिना मेहनत के। दुनिया में बिना मेहनत के हुए कुछ नहीं मिल सकता है, इसलिए क्या है आप मेहनत करो, है ना। मेहनत करने से सारी चीज़ें क्या होती है, आसान हो जाती। चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आएगी, 2 times, 3 times, 4 times उसको पढ़ो। ऐसा नहीं है कि 4 times पढ़ने के बाद भी आपको चीज़ें समझ में नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई काम करें और उसका रिजल्ट आपको नहीं मिले। तो पहले आप काम करो, मेहनत करो। जैसे ही मैं आपको सीट दे रहा हूँ या देता हूँ तो आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस सीट को कितना 20 question 30 question होगा, 30 question भी आप वन डे में सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप कैसे सोच सकते हो कि आपको जेई का एडवांस का जेई एडवांस क्लियर करना है, जेई मेंस क्लियर करना है, बहुत टफ होगा। इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप फॉलो करो और मेहनत करते जाओ, जितना ही मेहनत करोगे उतना ही क्या होगा, चीज़ें आपके लिए आसान होगी। ओके, थैंक यू।